अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मूड था कुछ अलग स्पेशल सा बनाने का, तो आज मैंने सोचा कि घर पे लौकी रखी हुई थी, ऐसे तो लौकी बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग सा चटपटा सा बनाते हैं लौकी का। तो आज मैंने लौकी और सोयाबीन के कोफ्ते बनाने का सोचा। तो मैंने लौकी कद्दूकश कर ली और सोयाबीन को मैंने वार्म वाटर में भिगो दिया था, गर्म पानी में हल्के, और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से पीस लिया था। मतलब महीन नहीं करना है, हल्का सा महीन करना है, क्रश टाइप का इसको, सोयाबीन को। और लौकी को पीसना नहीं है, लौकी को बस ऐसे कद्दूकश करना है और दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, मिर्चा कटा हुआ हरा थोड़ा सा डाला, और हरी धनिया थोड़ी सी काट के डाली, थोड़ी सी प्याज डाली, और बेसन मैंने थोड़ा सा कलहार कर थोड़ा सा बेसन ब्लेंडिंग के लिए डाला, और अच्छे से फिर मैंने इसको मैश किया। मैश करने के बाद मैंने पूरा अच्छे से थोड़ा सा, हाँ, लहसुन की कलियाँ भी चॉप करके डाली, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इनके मैंने कोफ्ते बनाए, अभी आप आगे देखेंगे। मतलब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है बस, लेकिन टेस्टी बहुत बहुत यमी बनी। और जब मैंने कोफ्ते बनाए, ये रेडी हो गया, और उसके बाद मैंने कोफ्ते लिए। कोफ्ते में फिर मैंने किशमिश भरी कुछ कोफ्तों में, और कुछ में काजू और कुछ में बादाम, बीच बीच में भर के मैंने गोल गोल बॉल बना लिए। और उसके बाद ये मैंने फ्राई करने के लिए रेडी कर लिए पूरी तरीके से। अभी सारे के सारे कंप्लीट हो रहे हैं, बना ही रही हूँ मैं, और ये रेडी हो गया। इसका मसाला मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख लिया था, जिसमें कच्ची लौकी, थोड़ा प्याज, थोड़ा लहसुन, और थोड़ा सा और क्या डाला था, लाल मिर्चा, इतनी चीज़ें मैंने लौकी में ग्राइंड करके पीस लिया था, ठीक है। और नमक नहीं डालना, उस टाइम पे नमक नहीं डालना होता। ये बॉल भी रेडी हो गए, और जो अभी मैंने मिक्सचर इसका तैयार करके रखा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये तेल रख दिया है मैंने हीट होने के लिए, फुल ऑन हीटिंग है, और अच्छे से हमारा ऑयल गरम हो गया। अभी इसमें मैं डालूंगी कोफ्ते, और कोफ्ते को थोड़ा सा, मतलब वैसा क्रंची रखना है, थोड़ा सा रेड ब्राउन होता है, डार्क कलर का ब्राउन वैसे मुझे कलर करने थे, तो मैंने वो अच्छे से डार्किश ब्राउन करके उनको फ्राई किए, और बहुत अच्छे। अम्मा ने तो एक कोफ्ता ऐसे पहले से ही खा लिया था सॉस के साथ, पर इसमें मैंने हरी मिर्ची काटी थी कोफ्ते में, तो उसको मिर्च बहुत लगती है, तो उसने मिर्ची निकाल दी थी हरी। लाल मिर्ची मैंने इस ग्रेवी में बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और एक थोड़ा सा अलग प्योरी बनाई थी मैंने काजू बादाम पीस कर, वो भी इसमें अभी मैं डालूँगी ग्रेवी में, आप आगे देखेंगे। और ये अभी कोफ्ते हमारे ब्राउन हो रहे हैं, बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, और अभी मैं इनको निकाल लूँगी, और पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखिएगा। मतलब आप लोगों को टेस्ट तो पता ही, टेस्ट मुझे पता है, बनने के बाद बहुत यम्मी बने थे। और अभी हम इसमें ग्रेवी तैयार करने जा रहे हैं। इसमें डाल दिया क्रैकर होने के लिए थोड़ा सा मैंने ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ थोड़े से मैंने डाले सरसों के दाने, और कटी हुई प्याज भी डाल दिए मैंने, और अभी इनको अच्छे से मैं चलाऊँगी, और अभी इसमें करी पत्ता भी डालूंगी। हाँ, ये मैंने करी पत्ते भी डाल दिए, देखिए, मतलब डाल दिए। और करी पत्ते डाल दिए मैंने, और अभी इसको अच्छे से मुझे चलाना है, ब्राउनिश कलर आ जाए इसका थोड़ा सा। कढ़ाई बहुत बड़ी थी एक्चुअली, मुझे लोहे की कढ़ाई बहुत पसंद है खाने के लिए, और इसलिए मैं ये लोहे की कढ़ाई लाई थी एक जगह से बहुत ढूंढ कर। और जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं इसी लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को आयरन भी मिल जाता है, और आयरन की बहुत कमी रहती है हमारी बॉडी में, तो ऐसे तो कंज्यूम नहीं कर पाते। तो लोहे की कढ़ाई में जब हम लोग खाते हैं ना, तो आयरन की पूरी हम लोगों को जो मिलनी चाहिए क्वालिटीज़, वो लोहे की कढ़ाई में मिल जाती है, जो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। लोहे की कढ़ाई में खाना स्पेशली बनाना चाहिए, तो मैं बनाती हूँ अक्सर। और ये वो ग्रेवी जो मैंने आपको बताई थी, लौकी और उसकी बना के सारी चीज़ें डालकर, ये वो ग्रेवी मैंने डाल दी है जब प्याज ब्राउन हो गया। और अभी इसको अच्छे से चलाना है,
मेन मतलब इसकी जो प्योरी है ना वो इसी की बनेगी, मसाले ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, बस जो लौकी का मैंने मिक्सर पीसा है वही रहेगा मेन इसका ग्रेवी, और जो काजू बादाम का पेस्ट है वो रहेगा मिक्स होके, उसकी ग्रेवी बन रही है ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब मैं प्रोफेशनली वैसे कुकिंग वाला मेरा चैनल नहीं है और ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ कैसे बनाना। ये मैं आटा बनवा रही हूँ रुमाली रोटी का, क्योंकि इसके साथ रुमाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो इस आटे में मैंने तेल डलवाया है और थोड़ा सा सोडा डलवाया है, दूध और पानी से आटा सनवाया है, और अभी मैंने इसमें डाल दिया टमाटर की प्योरी। टमाटर की प्योरी डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा अपना स्वाद अनुसार जितना आपको नीड हो उतना नमक डालना है, लेकिन टमाटर डालने के बाद ही सॉल्ट को डालना है। और इसको अच्छे से अभी मिक्स कर रही हूँ मैं, और ये काजू बादाम वाली प्योरी भी डाल दी, अभी इसको अच्छी तरह से मिला देना है। और आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से अभी तैयार हो रहा है धीरे 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 धीरे, और मुझे इसकी मतलब खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी करी पत्ते की खुशबू आ रही थी, सरसों की, जीरे की, टमाटर की, हर चीज़ की खुशबू मिल के आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था भूख लग गई थी, अभी खा लूँ अभी खा लूँ, लेकिन वेट करना पड़ा क्योंकि रुमाली रोटी में बहुत टाइम लग गया, और उसको बेलने में भी बहुत आफत आई, उसको बनाने में भी बहुत आफत आई, सारा टाइम मेरा उसी में ख़राब हुआ। और अभी मैंने इसमें 2-3 चम्मच घर की मलाई डाल दी है कि थोड़ा सा इसमें मतलब कड़वेपन के साथ थोड़ा मीठापन और थोड़ा वैसा इसका टेक्सचर रहना चाहिए इस ग्रेवी का, जैसे होटल में आता है उस टाइप की। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और अच्छे से अभी इसकी भुनाई भी बाकी है, इसको अच्छे से भुनना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब उसके बाद हम लोग इसमें कोफ्ते डालेंगे। तो लगभग ये हो ही गया है, बस थोड़ा सा अभी नमक डालेंगे, नमक थोड़ा सा कम था तो मुझे फिर से डालना पड़ा इसमें नमक। आप कम ही रखिएगा नमक, जब आपको लगे कि हाँ नीड है और चाहिए तो आप ऊपर से डाल लीजिएगा। फिर थोड़ी हल्दी डाल दी, और सिर्फ मसाले में इसमें किचन किंग मसाला डालना है जो मेरे पास नहीं अवेलेबल था, तो मैंने सिर्फ इसमें हल्दी डाली है, और मैंने इसमें जो जो डाला आपने देखा है मसाले में, सिर्फ हल्दी हल्दी और नमक बस, और बाकी कोई मसाला यूज़ नहीं करना है। ये प्योर हेल्दी, बहुत हेल्दी डिश है ये, सारी चीज़ें बहुत अच्छी पड़ी हैं इसमें। और अभी बस लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा काम रह गया इसमें। टाइम तो बहुत लगता है, खटरंग होता है, लेकिन खाने में जब तक थोड़ा बहुत मतलब मेहनत ना हो तब तक खाना अच्छा बनता भी नहीं है, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ती भाई अच्छे खाने के लिए। और कभी कभी तो अम्मी गुस्साने लगती है मेरे ऊपर, बहुत झाम करती हो तुमको बहुत ये सब सूझता है और सादा सिंपल खाना नहीं बनाती हो। मैंने कहा अम्मी पेट में अच्छा खाना जाना चाहिए ना, तभी मूड भी अच्छा रहता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। रोज़ वही दाल सब्ज़ी दाल सब्ज़ी दाल सब्ज़ी खा खा के इंसान थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। और मेरे घर में खासकर मेरी हया को बहुत शौक है खाना अच्छा होना चाहिए, वो बात अलग है कि उसको बनाने का शौक नहीं है, सिर्फ खाने का शौक है। तो फिलहाल ये रेडी हो चुका है, थोड़ा सा इसको एक बार बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे। और जब हम पकाएंगे ना तो स्टीम जैसी इसकी जो हीटिंग है वो कम कर दीजिएगा, और धीमी आंच पे मीडियम लो रहे और उस पर पकाना है हमको। और ये हो गया हमारा, बलक आ गई अच्छे से। ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं किया था क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल बहुत इग्नोर किया जाता है, हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता ऑयल, तो इसलिए ऑयल का बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं खाने में। लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और ये कोफ्ते डाल दिए हैं, कोफ्ते तो बहुत टेस्टी बने थे, बहुत औसम, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। मैं सच बताऊँ मैंने 3 कोफ्ते खाए और सबने मतलब अच्छा खासा खाया, सिर्फ अम्मी ने 1 कोफ्ता खाया क्योंकि अम्मी की प्लेट में अक्सर ने 1 ही कोफ्ता दिया था। उसने सोचा कि अम्मी को भूख लगेगी और चाहिए होगा तो मांग लेंगी, लेकिन अम्मी ने मांगा नहीं, वो बेचारी 1 ही कोफ्ता रह गई खाकर। तो ये हमारा आटा भी तैयार हो गया था रुमाली रोटी वाला,
बहुत अच्छे से इसको गूंदना रहता है, बहुत अच्छे से गूंदना रहता है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना गूंदना रहता है। और फ़िलहाल कोफ्ते भी तैयार हो चुके हैं हमारे, माशाल्लाह से, मतलब सो यमी, बहुत डिलीशियस, बहुत 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 डिलीशियस, स्वादिष्ट। और ये ऊपर से मैंने डाल दिया असली घी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और आप लोग ऑप्शन में असली घी नहीं डालना चाहते तो आप लोग इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मक्खन भी। और ये मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया बाउल में, बिल्कुल देसी तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे हमारे घर में ऐसे बनता है, ऐसे खाना लगता है, ऐसे निकलता है, सेम वैसे ही मैं दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, नेचुरल तरीके से बिल्कुल, और जो रियल हमने जैसे बनाया, जैसे हमारे घर में बनता है, उसी तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर कुकिंग का कभी चैनल बनाऊँगी तो प्रोफेशनली फिर सीखूँगी कैसे एडिट होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन आप लोग ना सच में मेरे इस वीडियो को जितने लोग भी देखिएगा ना, जिनके नज़र से ये वीडियो गुजरेगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। एक कमेंट करने में कितना टाइम जाता है, एक मिनट में सब हो जाता है, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, तो कर दिया करिए। ये रुमाली रोटी भी तैयार हो गई और ये खाने के लिए सब लोग बैठ चुके हैं, तो सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा मुझे, ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ आगे, मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिले, अप्रिशिएट तो किया करिए। और ज़्यादा मैं पता नहीं है मुझे अभी YouTube के बारे में, धीरे धीरे सीख रही हूँ, इंशाल्लाह सीख जाऊँगी। और सबको बहुत अच्छे लगे रुमाली रोटी के साथ सोयाबीन और लौकी के कोफ्ते, माशाल्लाह सब ने बहुत शौक से खाया पेट भर के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अम्मी को भी, अक्सा को भी, हया को भी, अम्मार को भी, अम्मार को मिर्च ज़्यादा लगी, उसने नहीं खाया, अब शान को भी अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह।